देखो, कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में कुछ साइंटिस्ट का नाम किया होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन किया था, डेफिनेशन के साथ साथ में यानी फोटोसिंथेसिस क्या है और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या एक मेजर रोल प्ले किया, वो सारी बातों को देखा था, ठीक है। जिसमें से आपको आए होंगे स्टेफन हेल्स के बारे में, जोसा प्रिस्टले के बारे में, टी डब्ल्यू एंजलमैन के बारे में, ओके, और कौन से थे, जैन इंजन हॉस के बारे में, इतने और भी कोई आए हैं, ठीक है। अभी इतने साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया, अभी बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बातों को बताया, ओके। जैसे एक साइंटिस्ट है डी शॉसुरे, ये फोटोसिंथेसिस ही हमारा चल रहा है। डी शासुरे, इन्होंने बताया कि वाटर जो है वह एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्लांट जो है वह CO2 को पिक करता है एंड O2 को रिलीज करता है। प्लांट पिक अप CO2 एंड रिलीज O2। नेक्स्ट है जूलियस वॉर्म्स एक्ट के बारे में जानना। इन्होंने कहा कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट में क्या है, ग्रीन पार्ट है, तो जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वही CO2 को एब्जॉर्ब करता है या O2 को रिलीज करता है, लेकिन ये दोनों चीज के साथ साथ यानी ये प्रोसेस करता क्यों है, क्योंकि वह ग्रीन पार्ट ग्लूकोज को बनाता है और स्टोर करता है। तो डायरेक्ट इसमें आप लिख सकते हैं इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा और वहां पर उसको स्टोर भी करेगा। जूलियस वॉन सेक हो गए। फिर आइए वैन नील, ही वर्क ऑन पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो CO2 यानी जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 लेता और O2 रिलीज करता है, तो वो जो O2 रिलीज होता है वो O2 कहाँ से आता है, तो डैट O2 कम्स फ्रॉम वाटर। यानी जो फोटोसिंथेसिस का कल यहां पर जो इस तरह से हम लोग रिएक्शन लिखे थे कि 6 CO2 + 12 H2O, और रिएक्शन में के बाद इधर दिखाए थे 6 H12O6 + 6 H2O + 6 O2, तो ये O2 कहां से आता है, तो डैट O2 कम्स फ्रॉम वाटर। यानी हम कल भी बताए थे कि ये जो H2O है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या दे देता है हमें, तो ये हमें देता है हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और ये जो O2 है ये रिलीज हो जाता है। तो यहां पर हमें इस तरह से
यानी ये जो O2 है अगर 2H2O यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और O2। तो दैट O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। तो यहां पर इसमें लिख सकते हैं O2 इनसेड O2 कम्स फ्रॉम वाटर। और इसी से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट है, वह है रूबन एंड कैमन का। तो रूबन हासिद एंड कैमन तीन साइंटिस्ट मिल करके, कौन कौन, रूबन हासिद एंड कैमन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इन्होंने भी यही फाइनली बताया कि CO2 जो फोटोसिंथेसिस में जाता है वह ब्रेक डाउन होके O2 नहीं रिलीज कराता है, वह कंज्यूम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। तो फिर O2 कहां से आता है बात, यानी O2 कहां से रिलीज हुआ, तो फाइनली O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। तो इसमें लिखेंगे दे ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, दे ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। यानी कहां से नहीं आता है वो, तो CO2 से नहीं आता है, तो कहां से आता है फाइनली, O2 से आता है, सॉरी H2O से आता है। तो O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। अब एक है वारबर्ग के बाद में ब्लैकमैन, याद पड़ गया तो ये भी देखिए, वारबर्ग इफेक्ट आप लोग को पढ़ना है। तो वारबर्ग साहब ने बताया कि O2 का हाई कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट डालता है। तो O2 का हाई इफेक्ट या पॉइजन जैसे साइनाइड का या फ्लैशेस ऑफ लाइट का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है ना। O2 का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 ज्यादा चाहिए ना कि O2 ज्यादा चाहिए। तो ये जो बताया, ये वारबर्ग साहब ने बताया, और इसी को द हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डाउन करते हैं, और इसी को कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो O2 का हाई कंसंट्रेशन जो इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस में, इसके बारे में कौन बताए, वारबर्ग साहब ने बताया। तो लिखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ हाई O2, इफेक्ट ऑफ हाई O2 कंसंट्रेशन एंड पॉइजन लाइक साइनाइड एंड पॉइजन लाइक साइनाइड इन फोटो सिंथेसिस। अब है ब्लैकमैन, हमारे यहां नाम लिखा जाता है, किसी का नाम होता है रूपमती, किसी का नाम होता है विश्व सुंदर, किसी का नाम होता है हीरो हीरालाल। तो वहां पे यूरोपियन कंट्री में नाम रहता है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन से क्या समझ में आता है, काला आदमी है, लेकिन वो हम लोग से ज्यादा सुंदर स्मार्ट होते हैं, गोरे होते हैं, फिर भी नाम रखते हैं ब्लैकमैन, और हम लोग नाम रखते हैं रूपमती धनमती। तो ब्लैकमैन, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहने का मतलब
कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं लॉ या प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो प्रपोज लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड डार्क फेज इन फोटो, और फोटोसिंथेसिस में लाइट फेज और डार्क फेज, तो डार्क फेज के बारे में भी इन्होंने बताया कि डार्क फेज का क्या रोल है। समझ में आई बात? समझने वाली बात अभी थी ही कहाँ, बस साइंटिस्ट का हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। बहुत सारा बच्चा लोग गायब है आज, है ना? किस लिए? हाँ हाँ, गायब होकर के तो जैसे लग रहा है कल तो पूरा कद्दू में तीर मार देंगे, एकदम पूरा खेल के टॉपर बनेंगे। एक दिन नहीं आए हैं तो पूरा टाइम इतना बच जाएगा, इतना सीरियस है कि एकदम टॉपर अब वही रखे हुए हैं। इतना सिंसेरिटी रहती, हमेशा पढ़ाई में एक चीज कोशिश कीजिए कि जो पर डे क्लास होती है, कभी भी घर जाके पढ़ाई जो आप स्टार्ट करते हो तो 10-15 मिनट हर एक पेपर का रिवीजन करो जो आज पढ़ाया गया है उसका, कि आज क्या क्या पढ़ाया गया था। जो आज पढ़ के गए हो घर पे, पहले मान लिया बायो में ये चीज पढ़े तो नोटबुक ओपन करो, अच्छा डीशा सुरे, तो एक बार खाली नाम ऐसे ऐसे उंगली रख के देखोगे ना तो यानी याद पड़ेगा कि इसके बारे में मैंने क्या बताया, इसके बारे में क्या बताया। अगर भूले तो एक बार पूरा पढ़ लो, 10 से 15 मिनट फटाफट रिवीजन। कोई भी सेल्फ स्टडी कभी भी स्टार्ट करने के पहले आज का आज क्या हुआ है उसका रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितना ज्यादा ये काम आप करोगे तो चैप्टर के एंड में या टेस्ट के समय पे बर्डन उतना कम होता चला जाएगा। बर्डन कब लगता है? जब लगता है कुछ याद ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तब लगता है कि अरे बर्डन है, अरे जा हमसे एमसीक्यू नहीं बन रहा है। घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगता है, बेहोश होने लगते हैं, सलाइन वाटर चढ़ाने की नौबत आ जाती है। तो वह इसीलिए क्योंकि रिवीजन जो है वह इम्प्रॉपर वे में है। जितना ज्यादा रिवीजन आपका अच्छे से होगा, रिवीजन प्लान बैकबोन होता है नीट क्वालिफाई करने के लिए, बैकबोन एकदम। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आगे जाने से बेहतर है पीछे की चीजों को बार बार रिवीजन करना। और आपके साथ क्या होता है कि नया चैप्टर पढ़ने में बहुत दिल लगता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इतना अच्छा लगता है कुछ कहने का नहीं, और जैसे जैसे चैप्टर 8 दिन 10 दिन बीतता है तो लगता है कंटाल ऐसा आता है कि अब जल्दी खत्म हो, कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो। और फिर कहां तो हिम्मत करता है, दोबारा मन नहीं करता है खुद से निकाल के रिवीजन करने का, तो जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक पॉइजनस हो जाता है। और इस चीज से बचने का यही आसान सा तरीका पर डे का रिवीजन। तो चैप्टर जब खत्म होते रहेगा उस समय तक सारी मतलब 80% बात तो जरूर याद रहेगी, और जब 80% बात याद रहेगी तो रात दिन एक करके लास्ट में रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी जो अब्सेंट है वो रात दिन रिवीजन ही कर रहे होंगे, और घबराहट बेचैनी का आलम ऐसा होगा कि करने की कोशिश करते होंगे तुरंत भूल जाते होंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो इसलिए बचिए इन सब चीजों से, पढ़ने का एक तरीका है उस तरीके से पढ़िए, पढ़ाई में मन लगेगा, लगेगा कि हाँ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे बर्डन, और बर्डन से काम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता है। पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए। बोलोगे सर एंजॉय तो हमें सिर्फ खाने और घूमने में आती है, पढ़ने में तो आती ही नहीं है। आएगा, वो भी आएगा। ये ब्लैकमैन का लिख लिया, तो प्रपोज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या लॉ प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में देखिए, ब्लैकमैन के बाद में एक है एमर्सन, एमर्सन साहब ने रेड ड्रॉप इफेक्ट और एमर्सन इफेक्ट के बारे में बताया, एर्नोल एंड एमर्सन मिलकर के। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है,
कि जब हम प्लांट को, यानी ये अगर कोई प्लांट है बेटा, और इस प्लांट को हम लोग ऐसे लाइट में रख दें जिस लाइट का वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर हो, या फिर 750 नैनोमीटर से ऊपर के लाइट में अगर हम प्लांट को रख देते हैं, तो ये प्लांट अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को सडन ड्रॉप और डाउन कर लेता है। यानी एक बाय एक जो इल्ड है, फोटोसिंथेटिक इल्ड जो है, वो सडन गिर जाएगा, या सिंपल वे में कहें तो फोटोसिंथेसिस एक बाय एक रुक जाएगा। इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब ऐसा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो वेवलेंथ है मोर देन 700 नैनोमीटर का, कितना? 700 नैनोमीटर से ऊपर का लाइट, और ये लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक है, यानी लाइट का वेवलेंथ, जो भी लाइट इस प्लांट को दिया गया वो सिर्फ 700 नैनोमीटर से ऊपर का है, उसके नीचे का नहीं है। तो मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी ऐसा लाइट हम दिए प्लांट को जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ऊपर है, नीचे नहीं। तो उस लाइट में प्लांट जो है वो सडन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देता है, और ये जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट का वेवलेंथ है, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ा? रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब तो एमर्सन साहब ने फिर क्या किया कि इस प्लांट को अब 680 नैनोमीटर से ऊपर और 680 नैनोमीटर से नीचे, यानी मिक्स वाला लाइट दिया, यानी कुछ ऐसे लाइट जो 680 नैनोमीटर से भी ऊंचा वेवलेंथ हो, और कुछ ऐसे लाइट जिसका 680 नैनोमीटर से नीचे वेवलेंथ हो, मिला करके लाइट दिया, तो प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग एमर्सन इफेक्ट। क्या कहेंगे? एमर्सन इफेक्ट लिखेंगे। एमर्सन प्रोवाइड सिक्स एटी नैनोमीटर प्रोवाइड मोर देन 680 नैनोमीटर, एरो ऊपर कर दिए मतलब कि बड़ा है, एंड लेस देन 680 नैनोमीटर, यानी एरो नीचे कर दिया मतलब छोटा है, यानी 680 नैनोमीटर से भी छोटा वेवलेंथ ऑफ लाइट दिए, प्लांट इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एमर्सन इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एमर्सन इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एमर्सन इफेक्ट। अब पहले एमर्सन इफेक्ट लिख लिया, अब इसी में लिखेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या होता है? रेड ड्रॉप इफेक्ट, एमर्सन इफेक्ट के बाद में रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट मैं बोलता हूं, लिखिए, इन मोनोक्रोमैटिक लाइट that is more than 680 nanometer wavelength of light
लाइट प्रोवाइड टू प्लांट कॉमा प्लांट सडनली ड्रॉप डाउन क्वांटम इल्ड QUNTATUM क्वांटम इल्ड ब्रैकेट में डिक्रीज फोटोसिंथेसिस क्वांटम इल्ड डिक्रीज होना मतलब डिक्रीज फोटोसिंथेसिस ब्रैकेट में डिक्रीज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट इसी को क्या कहेंगे हम लोग रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया ब्लैकमैन हो गया वॉन नील ये सब हो गए इमर्सन हो गया और इमर्सन अर्नॉल्ड हो गए ठीक है। इतने सारे साइंटिस्ट का नाम हो गया और वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक आपको पढ़ाऊंगा और हिल रीएजेंट रॉबिन हिल अब हेडिंग दीजिए रॉबिन हिल रॉबिन हिल में देखिए एक हील रीएजेंट होता है। इन्होंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को निकाला और उस क्लोरोप्लास्ट को लाइट से सजा दिया यानी उस क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ क्या दिया लाइट। तो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट एल्यूमिनेटेड विथ लाइट ठीक है या एल्यूमिनेटेड मतलब एल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट से सजाना। तो इस क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया प्लांट से और लेकर के उसको लाइट से सजाया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर एक हील रीएजेंट तैयार किया। क्या तैयार किया हील रीएजेंट यानी वहां पर CO2 नहीं है CO2 के जगह पर यहां पर ये एक रीएजेंट तैयार किए। इस रीएजेंट में क्या क्या था तो इस रीएजेंट में फेरो साइनाइड क्रोमेट्स और DCIP अच्छा पूरा नाम लिख देता हूँ हाँ डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल फेरोसाइनाइड क्रोमेट DCIP डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल और एक और है कौन सा फेनॉल है फेरोसाइनाइड क्रोमेट ठीक है। ये जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है यानी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाले और इसी को कहते हैं हम लोग ये सारे केमिकल को मिला करके जो रिएजेंट बना उसी का नाम है हील रिएजेंट। क्या नाम है हील रिएजेंट। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से ये यानी हील रिएजेंट से ही हमें पता चल पाया कि जो O2 रिलीज होता है वह O2 जो है वह वाटर से आता है CO2 से नहीं। अब इसके लिए तो ये जो हील रिएजेंट है इनके मदद से यानी इन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया उस सॉल्यूशन में ये सारे केमिकल डाले और उस सॉल्यूशन में CO2 को एब्सेंस कर दिया यानी ये CO2 के जगह पर यूज होने वाले केमिकल है
और यहां पर क्लोरोप्लास्ट को लेकर के लाइट से सजा दिया। तो जब लाइट से सजाया तो क्लोरोप्लास्ट से जो रिएक्शन हुआ, इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो O2 है वह रिलीज होकर के, यानी कि O2 जो है CO2 तो नहीं है। तो जब CO2 नहीं है और फिर भी फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो यानी, और वाटर भी यूज किया इन्होंने, लेकिन इन सारे रिएक्शन के साथ साथ सिंपल सी बात समझिए कि अगर CO2 नहीं है तो O2 को नहीं निकलना चाहिए था। अगर O2 कहां से रिलीज होता, CO2 से रिलीज होता तो, लेकिन CO2 को अब्सेंस करने पर भी यहां पर इस रिएक्शन में O2 रिलीज हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ किया कि O2 कम्स फ्रॉम वाटर। अगर O2 CO2 से रिलीज होता तो यहां पर O2 रिलीज नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर CO2 एब्सेंस है। हम कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद ही ये कैमरा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, यानी मेरे एब्सेंस में कैमरा स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे एब्सेंस में भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि मेरे एब्सेंस में कैमरा चलाया जाता है कि नहीं। अगर O2 CO2 से ही रिलीज होता तो ये हीट रिएजेंट यूज करने पर O2 रिलीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 एब्सेंस है। लेकिन CO2 को एब्सेंस करके और ये सारे केमिकल का यूज जब करते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में, तो O2 रिलीज होता है। इस बात को साबित करता है कि O2 जो है वह वाटर से आता है, CO2 से नहीं आता है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रॉबिन हिल रिएक्शन, यानी, और इन्होंने जो रिएजेंट तैयार किया था ये है हिल रिएजेंट। समझ में आई बात? ट्रूमेंस है अभी किसी के पास? ट्रूमेंस कौन लेके आया था उस दिन? जो लाया था आज है नहीं, किसी ने लेके आया था ना ट्रूमेंस की बुक यहाँ पर एक दिन? नहीं, चलिए लिखिए रॉबिन हिल लिख करके तब इसमें लिखेंगे। ही आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट। अच्छा तुम्हारे पास थी, ओके गुड। ही आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट, ही आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम प्लांट एंड इल्यूमिनेटेड I-double-L-U-M-I-N-A-T-E-D and illuminated with hydrogen acceptor chemical ब्रैकेट में उस केमिकल का नाम फेरोसाइनाइड ब्रोमेट डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल DCIP बोलते हैं इसको, और एक और केमिकल है इसमें। फेरोसाइनाइड बेंजोक्विनोन BENZOQUINONE बेंजोक्विनोन BENZOQUINONE बेंजोक्विनोन हो गया। ये सब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये सभी जो हैं मिलकर के कहलाते हैं हील रिएजेंट। दीज हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड आर कॉल्ड, लिखिए,
दीज हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड आर कॉल्ड हील रीएजेंट. दीज हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड आर कॉल्ड हील रीएजेंट. Heal reagent used in absence of CO2. Heal reagent used in absence of CO2 absence of CO2, the O2 release in the reaction, in the reaction by chloroplast indicate that O2 comes from water and this reaction is called Heal reaction. हो गया. डायग्राम एक बना दीजिए. या एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है और इस सॉल्यूशन में मान लीजिए यह क्लोरोप्लास्ट है, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, और इस सॉल्यूशन में इस तरह से जो है वह मिक्स किया हुआ है. क्या तो DCIP क्रोमेट्स बेंजोक्विनोन और फेरोसाइनाइड. यानी हील रीएजेंट. तो जब ये यूज करते हैं CO2 नहीं है इसमें, तो यहां पर स्मॉल बबल्स के फॉर्म में यानी O2 रिलीज हुआ. ठीक है, ये O2 रिलीज हुआ. इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. और लाइट दे दिया है हमने. तो O2 रिलीज कर रहा है CO2 के एब्सेंट में, तो इसीलिए यह पूरा रिएक्शन हील रिएक्शन है. This is heal reaction. बस ये सारे साइंटिस्ट तो हो गए. वार्गवर वेन इमर्सन एंड एर्नॉल. हाँ, एक एर्नॉल Arnon. चलिए
सॉल्यूशन है ना, वो क्लोरोप्लास्ट को किस में डाले हैं? हील रिएजेंट, मतलब ये कंपाउंड के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है पानी में मिला करके। हील रिएजेंट का मतलब ये कंपाउंड का सॉल्यूशन। कंफ्यूजन हो रहा है तो हील रिएजेंट दैट मैट मींस इसमें ये क्या है, एक ये सॉल्यूशन लिख दीजिए आप, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं है जिसमें वाटर ना हो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। केमिस्ट्री वाले भी बताएंगे आपको, कहीं पर कोई चीज लिक्विड है तो मान लो कि वहां पर थोड़ा ज्यादा कम वाटर है। आप रिफाइन यूज करते हैं, लिक्विड है तो क्या उसमें वाटर है कि नहीं है? वाटर है उसमें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स के फॉर्म में, यानी उसका जो, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। यानी कहीं पर सॉल्वेंट है मतलब वाटर है, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां पर बात। लिखेंगे एरनॉन के बारे में, एरनॉन डिस्कवर फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिस्कवर फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिस्कवर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन, डिस्कवर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन है ना, डिस्कवर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। सिक्स सी ओ टू प्लस, अब आपको नहीं लिखना है, टू प्लस ट्वेल्व एच टू एस, सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू एस, H2S, C6H12O6, H2O12S। देखिए अब आप हेडिंग देंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Requirement for photosynthesis, photosynthesis के लिए क्या क्या requirement है? उठा लीजिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कितने लोगों को चाय बनाना आता है? बाकी लोगों को चाय भी बनाने नहीं आता है? आता है, अरे क्या काम है, बहुत आसान सा है, एकदम सिंपल टी बनानी है, उसमें कोई फरमाइशी वाला हिसाब नहीं। अगर आपको यहाँ पर टी बनाना है एकदम पीने के लिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या क्या चाहिए? पानी, पहले ही पानी वाली चाय पिलाओगे? अरे भाई मिल्क, शुगर,
एंड टी लीव, हाँ बिना पानी का ही चाय पिलाइए। अब कोई बोलेगा उसमें इलायची चाहिए, अदरक चाहिए, एकदम फरमाइशी नहीं, एकदम सिंपल टी बनानी है। और जिसमें आप उसको बॉईल करेंगे तो एक पॉट चाहिए, हाँ, और फिर पॉट में सबको रख के गर्म करने के लिए हीट चाहिए, यानी कि ये हीट एनर्जी हो गया। इतना ही रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मिल्क, कार्बन, सुगर, हाइड्रोजन और टी ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। दिस इज द रॉ मटेरियल। अब ये तीनों एलिमेंट को जैसे आप मिल्क, सुगर और टी को एक साथ एक पॉट में रख करके गर्म करते हैं ना, तो कोई तो एक ऐसा पार्ट चाहिए, कोई एक ऐसा पॉट चाहिए जिसमें इन तीनों एलिमेंट को रख करके उसको बनाया जा सके। किसको बनाया जा सके? तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बनाया जा सके, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। कौन कौन से एलिमेंट आए हैं इसमें? ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। तीन ही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तीन एलिमेंट चाहिए, सिर्फ तीन एलिमेंट। तो यहां पर ये तीनों एलिमेंट के लिए वो क्या करता है? CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो CO2 कहां से ले लिया? एटमॉस्फेयर से। और H2O, अब कौन सा एलिमेंट बचा था उसको? कार्बन और ऑक्सीजन तो मिल गया, बचा कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेगा वो? H2O लेगा, लेकिन H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसके लिए क्या करेगा वो? H2O को तोड़ देगा और हाइड्रोजन को ले लेगा, बचा हुआ ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, निकाल देगा बाहर। तो यहां पर ये कहां से ले लिया इसको? सॉइल से। तीनों एलिमेंट का रिक्वायरमेंट हो गया। तो जैसे सुगर, मिल्क और टी को लेकर के किसी एक पॉट में गर्म करते हैं, तो यहां पर पॉट के रूप में कौन है? क्लोरोफिल है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? सिंपल क्लोरोप्लास्ट लिख दीजिए डायरेक्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोप्लास्ट एक पॉट हो गया जिसके अंदर ये बनता है क्या? C6H12O6। अब बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के रूप में ऐसा तो करते नहीं कि प्लांट लगाया उसके चारों तरफ आग लगा दिया, हीट एनर्जी देना है उसे, ऐसा करते हैं क्या? प्लांट रहेगा नहीं, तो हीट एनर्जी के रूप में क्या करता है वो? कहां से एनर्जी लेता है? दैट मींस सनलाइट। प्लांट को सॉइल में डाल के छोड़ दीजिए, सारा काम खुद से कर लेगा। तो जो पर डे का खाना, जैसे आपके घर में पर डे का खाना मम्मी बनाती है, बनाती नहीं पकाती है, खाना को क्या करती है? पकाती है। आपसे नहीं बोला मम्मी खाना बनाती है, मम्मी सिर्फ खाना पकाती है, यानी कि हार्ड एंड अनसॉल्युबलाइज फूड को सिर्फ सॉल्युबलाइज फूड में कन्वर्ट करती है। और अगर आपने साहस और हिम्मत दिखाया कि मम्मी तुम खाना बनाती नहीं हो, सिर्फ खाना पकाती हो, और इतना बोल दिया कि अनसॉल्युबलाइज ऑर्गेनिक फूड को आप सॉल्युबलाइज करती हो, मम्मी का दिमाग घूमेगा, दो हाथ लगा देगी, आप शांत से बैठ जाओगे। और जब मम्मी लोगों को कोई बात ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो मम्मी लोग क्या बोलती है? भले आप मराठी में ही बोल रहे हो, हिंदी में ही बोलो, मेरे सामने ज्यादा अंग्रेजी मत बोलना। तो वो क्या है भाई? तो यहां पर ये जो बातें देख रहे हैं आप कि क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट के मदद से ये दोनों, यानी क्लोरोप्लास्ट इज द पॉट एंड सनलाइट इज द हीट एनर्जी दैट कन्वर्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, और इसी को ग्लूकोज आप कह सकते हैं, और यही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनता है तो बन जाता है सुक्रोज, और यही सुक्रोज लीफ से रूट तक सप्लाई होता है, जिसे आप मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो आपको बताया था कि एक फ्लोएम से दूसरे फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सोर्स टू सिंक, याद आ रही है बात? तो यहां पर यही चीज है। तो ये बना लीफ पहुंचना है इसको रूट तक या प्लांट के ऐसे पार्ट तक जहां उसकी जरूरत है,
चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फ्लोएम का इसीलिए। तो ये जो है वो रिक्वायरमेंट है प्लांट के। अब यहां पर तो प्लांट जो है इसके लिए क्या क्या, अब अगर एक्चुअल देखें कि रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो H2O के लिए क्या चाहिए बेटा, वाटर, और साथ ही साथ क्या चाहिए, CO2। CO2 कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में CO2 है, यानी 0.03% सफिशियंट है प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहां पर वाटर, और उसके साथ क्या क्या है, यहां पर लाइट, यानी लाइट चाहिए, और उसके साथ साथ ये CO2 आप लिख दिया, CO2 एटमॉस्फेयर से आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करके उसको ब्रेक डाउन करता है, और साथ ही साथ यानी लाइट एंड पिगमेंट। तो पिगमेंट यही रिक्वायरमेंट हम लोग को पढ़ना है। हेडिंग दीजिए रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। लिखेंगे पहले लाइट, सेकेंड में पिगमेंट, थर्ड में वाटर एंड CO2, वाटर एंड CO2। तो वाटर एंड CO2 आर रॉ मटेरियल। वाटर एंड CO2 क्या है, रॉ मटेरियल है। जैसे घर में रोटी बनाया जाता है, तो रोटी का रॉ मटेरियल क्या है, आटा, ठीक है। चिकन बनाना है तो चिकन का रॉ मटेरियल क्या होगा, चिकन का नाम लेते कुछ बच्चों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आती है जैसे लगता है कि लेग पीस सामने रख दिया गया हो, बस अब तुरंत खाने की देर है ना, ऐसा नहीं है। और जो वेजिटेरियन वाले हैं उनके मुंह ऐसा नहीं है, तो उनके सामने पनीर का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, तो दैट इज CO2 एंड वाटर इज द रॉ मटेरियल। ये जो है यही यूटिलाइज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में, यानी प्रोडक्शन में, एंड लाइट एंड पिगमेंट ये उसके रिक्वायरमेंट है कि ताकि वह जिसके मदद से वह कार्बोहाइड्रेट को बना सके। चलिए अब लिखेंगे वाटर। लिखेंगे वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ये टर्म ऑक्सीजेनिक लगाने का मतलब क्या हुआ, क्या कह सकते हैं आप, है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्यों, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी जहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, यानी ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है वहां पर वाटर की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल के रूप में पर्पल बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो सल्फर के मदद से, जिसका रिएक्शन यहां पर लिखे हैं हम, जैसे वो भी बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर बैक्टीरिया 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड 12H2S वाटर आया कहीं पर रिएक्शन में, किसका मदद लिया, CO2 का एंड सल्फर का ले लिया, तो ये क्या बना दिया, C6H12O6, ठीक है। क्यों, वाटर नहीं है लेकिन फिर भी तीनों एलिमेंट तो मिल रहे हैं ना, कार्बन भी मिला, ऑक्सीजन भी मिला और हाइड्रोजन भी मिला। तो जब वाटर नहीं यूज हुआ है तो यो यहां पर H2O रिलीज नहीं होगा, H2O रिलीज होगा नहीं होगा, एक मिनट, H2H12। तो वहां पर देखिए कि जहां पर ऑक्सीजन रिलीज तभी होता है जब H2O यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, जब तक H2O नहीं यूज होगा तब तक वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है।
हाँ ठीक है, 6H2O सही है। तो देखिए, और फाइनली यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह क्या रिलीज हुआ है, सल्फर रिलीज हो गया है। जबकि दूसरा रिएक्शन अगर हम यहाँ पर 12H2S के जगह पे 12H2O कर देंगे तो फिर क्या रिलीज कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन कराना पड़ेगा, 6O2। यहाँ पर 6O2 लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो कितने एटम हो गए, 12, और यहाँ पर कितना है, 12। तो बस रिएक्शन यानी कि C6H6CO2 प्लस 12H2O, तो यहाँ पर सारा चीज सेम रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, प्लस 6O2 हो जाएगा। तो लिखेंगे, अभी क्या लिखे थे, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस विच इज प्रूव्ड बाई वैन नील। And water is not essential for photosynthesis in sulfur bacteria. And water is not essential for photosynthesis in sulfur bacteria. For photosynthesis in sulfur bacteria. Water is not essential for photosynthesis in sulfur bacteria. Reaction लिख दीजिए इसका, 6CO2 plus 12H2S, और ये दे देता है यानी यहां पर भी चाहिए light and chlorophyll. Light chlorophyll या pigment कर दीजिए, और तब यहां पर लिख दीजिए C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12H2S, सॉरी 12S सिर्फ हाइड्रोजन, ये सल्फर आयन बस। That is H2O not used, so no release of, so O2 not release, ब्रैकेट में कर दीजिए समझने के लिए, यानी H2O यूज नहीं हुआ है इसलिए O2 रिलीज नहीं हुआ, H2O का यूज नहीं हुआ तो O2 रिलीज नहीं हुआ, समझ गए। जो भी गैस होते हैं ना उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, और ये एलिमेंट हैं। तो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमेशा O2 से लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N2 से लिखा जाता है, CO2 लिखते हैं यानी गैसियस फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, आर्गन क्रिप्टॉन ये सब जो गैस होते हैं ना उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन ये सॉल्यूट है यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको। जैसे आप देखो ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आता है ना वो मोलेकुलर फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं हम लोग, CO2 को CO2 लिखा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलेकुलर फॉर्म में हम लोग, समझे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा जाता है इसको। अल्मोनियम, अल्मोनियम को कहीं Al2 लिखते देखे हो सेपरेटली, नहीं, तो वो एटॉमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहां तक की बात हो गई।
केमिस्ट्री वाले से भी पूछ सकते हैं आप, वो आपको बता देंगे। तो वाटर का इंपॉर्टेंस समझ गए है ना। वाटर के बाद में आइए लाइट। लाइट करोगे या CO2 कर लोगे? CO2 पहले करो, लाइट और पिगमेंट लंबा चलेगा। CO2 कर दीजिए। अरे बाबा, लिखेंगे CO2 रिड्यूस टू फॉर्म, CO2 रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में ग्लूकोज, CO2 रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। So it is essential element, essential component for photosynthesis. So it is essential component for photosynthesis. Yeah, essential component hai photosynthesis ke liye. So it is essential component for photosynthesis. Essential component for photosynthesis. Ho gaya? Essential component for photosynthesis. अब इसी CO2 में, CO2 कैसे एसेंशियल कंपोनेंट है यानी बिना CO2 का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में मोल साहब ने क्या किया कि एक प्लांट को लिया, ये एक प्लांट को लिया बेटा, और इस प्लांट के आधे लीफ को एक बड़े से डब्बे से बंद कर दिया। ये प्लांट का इस डब्बे को मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक का डब्बा है, उस डब्बे से इसको पूरी तरह से एयर टाइट बंद किया। एयर टाइट बंद करने के बाद इसमें ऐसा कॉटन लगाया जिस कॉटन में KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पर CO2 एब्जॉर्बेंट कॉटन बोलते हैं या KOH एब्जॉर्बेंट कॉटन, ये इसमें डाल दिया इस डब्बे में। और डब्बे में जो KOH एब्जॉर्बेंट कॉटन है वह लीफ के साथ टच नहीं होना चाहिए, होल्ड करके रखना है उसको। ओके, अब इस प्लांट को सनलाइट में रख दिया।
2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के बाद जब इस लीफ को बाहर उन्होंने निकाला, ये प्लांट लिया और प्लांट से इस लीफ को तोड़ के बाहर निकाला, तो प्लांट का जो लीफ था वह 2 कलर में बटा हुआ था। कैसे? 2 कलर में यह बटा हुआ था लीफ। ये लीफ का जो आधा पार्ट है, जो जितना पार्ट ढका हुआ था उस एक्सपेरिमेंट के वजह से, ये अलग कलर का यानी लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लूइश लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, और बाकी लीफ का पार्ट जो नॉर्मल ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर का होता है, वैसा रहा। अब ये एक्सपेरिमेंट किस बात को दिखाया कि जब इस लीफ को इस डब्बे से ढक दिया गया, यानी पूरी तरह से एयर टाइट बंद कर दिया गया, और इस एयर टाइट डब्बे से, डब्बे में CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला KOH एब्जॉर्बेंट कॉटन लगा दिया गया। ये क्या करता है? CO2 एब्जॉर्बेंट है, यानी डब्बा को लीफ में लगाते समय भी अगर CO2 होगा तो वो CO2 क्या होगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसमें? डब्बे के कॉटन में। किसमें एब्जॉर्ब होगा? डब्बे के कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब डब्बे के कॉटन में एब्जॉर्ब होने के वजह से ये जो लीफ एब्जॉर्ब, ये कॉटन एब्जॉर्ब हो गया, तो यानी लीफ के इस पार्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और बाकी पार्ट में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस होता रहा। इसी वजह से लीफ के कलर चेंज हो गए, और इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम लोग मोल हाफ लीफ, हाफ लीफ मतलब आधा लीफ, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको बना के दिखाइए और तब इस पे लिखिए। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं, नए बुक में हटा दिया है, अब लिखेंगे। द हाफ पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड बाई
द हाफ पार्ट ऑफ लीफ इज कवर्ड बाई covered by a jar in which have KOH absorbent cotton which absorb CO2 inside the jar. And now plant pot. Keep 2 to 3 days in sunlight. Keep on sunlight for 2 to 3 days. Then leaf remove and observe. Observe that. Two different color on. Two different color on covered leaf. The half part is dark green. And covered half part is light blue. Which do not perform photosynthesis. जो क्या नहीं परफॉर्म किया है, फोटोसिंथेसिस को नहीं परफॉर्म किया है. तो CO2 जो आप जान गए कि CO2 इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. तब लिखेंगे प्लांट एब्जॉर्ब CO2 या टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर. प्लांट टेक्स सी फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो प्लांट CO2 कहां से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है. तो दो रिक्वायरमेंट अब आई है लाइट में. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वाटर हुआ, CO2 हुआ, अब लाइट में. लिखेंगे the ultimate source of energy on earth is Sunlight. The photosynthesis performed in visible light and the wavelength of visible light is and the wavelength of visible light is visible light is 380 nanometer to 760 nanometer
एंड फोटोसिंथेसिस एक्टिवली परफॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस एक्टिवली परफॉर्म्ड इन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और लाइट के इसी रेंज को यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेंज को हम लोग कहते हैं पार, यानी कि लिखेंगे पहले, ये लिख लिया ना पहले आपने, एक्टिवली परफॉर्म इन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दी 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, दी 400 एक फुल स्टॉप देके तब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ब्रैकेट में पार। तो पार का मतलब आप हमेशा याद रखो, PAR, पार को डैश देके 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, बस एक ब्लॉक बना के इस तरह से डाल दो। पूरा डेफिनेशन याद रखने से एक बार में याद रहेगा, पार का मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, पार कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, मेन रूप से फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना, 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ये बात समझ गए? अब देखिए, लिखेंगे द लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज shorter wavelength of light has higher energy. लाइट का वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसमें उतना कम एनर्जी होगा, और लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी क्या होगी उसमें, उतना ज्यादा होगा। जितना शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा एनर्जी उतना ज्यादा, और जितना बड़ा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा यानी उसमें एनर्जी उतना कम। यही वजह है कि एक्सरे का हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, अपने बोन वगैरह के फ्रैक्चर को देखने के लिए। क्यों? एक्सरे में रे वर्ड लगाया, दैट मींस कि उसमें एनर्जी है, तो उससे पेनेट्रेशन करवाते हैं, जो उसमें एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो हमारे मसल्स को पेनेट्रेट करके बोन तक टच करता है, और उसके बाद जैसे ही वो टच करता है यानी बोन तक जाता है, उस समय हम लोग एक फोटो खींच लेते हैं तो हमारे बोन का फोटो आ जाता है। समझ गए बात को? तो जितना शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा उसमें उतना ज्यादा एनर्जी, जितना लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा उसमें उतना कम एनर्जी। तो हैज हायर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ हैज लो एनर्जी। तो लॉन्गर वेवलेंथ के पास क्या है, लो एनर्जी है। हो गया ये बात? तो लाइट का ये जो
इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं ब्लैक से ही बनाना है। देखिए अल्फा बीटा गामा और कॉस्मिक रे होता है ना। अल्फा बीटा गामा कॉस्मिक रे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा रे होता है आपका एक्सरे, एक्सरे से बड़ा होता है आपका यूवी रे, और यूवी रे के बाद में आता है आपका यहां से ये हो जाता है विजिबल लाइट। ठीक, ये हो गया विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट के बाद में इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, और इंफ्रारेड इंफ्रारेड के बाद में माइक्रो, कौन सा रे, माइक्रोवेव रेड, माइक्रोवेव रे, और माइक्रोवेव के बाद में रेडियो वेव। समझ गए। अब ये विजिबल लाइट के भी 7 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन सा, जिसे आप क्या कहते हैं वेव जियोर के नाम से याद किया होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया एक दो तीन चार पांच छः और ये 7 हो गए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, और ये रेड, और इनका स्टार्ट होता है कितने नैनोमीटर से, 380 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 3800 एंगस्ट्रॉम से। तो 380 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर कहां तक आता है, 760 नैनोमीटर तक। एंगस्ट्रॉम में याद रखना ज्यादा आसान है, आसानी से लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो 4000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 450 एंगस्ट्रॉम, यानी 4500 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 5500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 650 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम, और ये 7000 यानी कि कितना तक, 7500 एंगस्ट्रॉम तक लेके चल जाते हैं। तो आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम वाला ज्यादा आसान है। तो इस तरह से, तो ये विजिबल लाइट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, कौन से लाइट में, विजिबल लाइट में। और विजिबल लाइट में भी सबसे ज्यादा मेन रूप से कौन है, 400 to 700 नैनोमीटर, याद रखिएगा। चलिए बाकी इसका रोल कल देखेंगे हम लोग, यानी मंडे को, कल टेस्ट अच्छे से दीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए।